ये हेडिंग डाल दी। अब लिखिए सम डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं। करीब 15-20 मिनट अपन को बोरियत भरी डेफिनेशन लिखना है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आपके पास यदि रेड बुक हो तो उसको भी आप सामने रखें। मिली नहीं, नहीं वो 50 रुपये में बेची गई है, अब तुमने 50 रुपये जेब से नहीं निकाले ऐसा बोलो। अरे हाँ ना, यही था ना, सना के पास है कि नहीं, खर्च किए थे 50 रुपये? हाँ, बाहर चले जाएं, बाहर से ले आए। प्रोनंसिएशन अच्छा रखो, नहीं तुम बैठो भगवान का नाम लो। चलो, अरे प्रार्थना लाओ, जल्दी लाओ यार, लाओ लाओ लाओ। एक बार ना पहले पढ़ लो, एक बार आपको ध्यान रहे क्या आप मन में बोलना है, एक बार आप लोग पढ़ लो। हाँ, देख लो दूरबीन से, देख लो, जल्दी पढ़ लो भाई। वो प्रार्थना पढ़ने को बोल रही हूँ, वो रेड बुक निकाल के बैठ गया। ये छोटी दे आप, बड़ी ले ले जा, छोटी ही चाहिए, वो एक्चुअली जेब में समा जाती है इसलिए। चलो पढ़ो भाई, जल्दी पढ़ो। लाओ देव में पढ़ो, क्योंकि अधिकतर के पास है ही नहीं, तो जल्दी खड़े हो भाई। एकदम शांत शांत दिमाग, आंखें बंद, आप नहीं बोलना, हाथ भी रिलैक्स, आंखें बंद। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंसान बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए, कुछ डेफिनेशंस लिखिए भाई साहब, और सभी लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, लिखे लिखना ही शुरू कर दीजिए। आ स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट डज नॉट पजेजेज। हाँ बोलो, क्या पढ़ना? कॉनिक सेक्शन का दिन और ये दिन गलती से इधर उधर हो गए क्या? सही चल रहा है ना सब? नहीं मतलब तुम ही बताओ क्या है आज। टीटीएस में तुम 11 छः से 8 होती है, उसी दिन जल्दी आने पर है ना 2D। इन दिनों में तो 3D चल रही थी। बैठो बाहर, वीडियो में कुछ पढ़ाई करो। विच हैज मैग्नीट्यूड बट डज नॉट पजेजेज डायरेक्शन, ठीक है दादा। दूसरी लाइन में लिखो, आ वेक्टर इज आ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड is also related to a definite direction। अब इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन तो मैं ही हटा रहा हूँ, सिंपल है आप जानते ही हैं। अपन न्यूमेरिकल्स पर जल्दी पहुँचे। तो आपके पास जो भी बुक हो एक नज़र उस पर फेर लेना आज, वेक्टर की। और आगे लिखिए, मगर बीच में बहुत सारी चीजें हटा रहा हूं। लिखिए साहब, एवरी वेक्टर हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड आप लोग बोलो कोई, हाँ लाइन ऑफ सपोर्ट। मतलब एक वेक्टर है और वो ऐसा है,
तो हम इसको कहीं और ले जाना पॉसिबल होता है। और इसकी ये जो ये वाली लाइन है इसे लाइन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। अरे हाँ, अब लिखिए बोरियत भरी डेफिनेशंस, लिखिए हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला लिखिए जीरो वेक्टर ओ आर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर ओ आर और नल वेक्टर। आगे लिखिए आ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर ए आर ई आर कोइंसिडेंट इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इट कैन हैव एनी आर्बिट्री डायरेक्शन। मतलब उसकी डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं। एंड एनी लाइन एज इट्स लाइन ऑफ सपोर्ट। तुम मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोच के बताओ जिसमें नल वेक्टर यूज होता हो। मतलब आंखों देखा तो मुझे दिखा दो कि ये रहा। कोई के पास आया एग्जाम्पल? यहां देखो मैं समझाऊं, ऐसा मान सकते हैं क्या सही लिखा है कि गलत लिखा? तो मैं निडिल रखूंगा इधर तो वो कहां पॉइंटर करेगी? यों करेगी, सही है। अब मैं मैग्नेट रख दूं इधर और इधर उसका एन है और इधर क्या है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बनेगी? नीचे से ऊपर जाएगी ऐसा, यानी कि यहां मैग्नेटिक निडिल रखूंगा तो एरो नीचे, यहां नॉर्थ की तरफ है यहां साउथ की तरफ है, ऐसा कैसे? नॉर्थ बोलो, बताओ कारण बताओ। एक्चुअली नॉर्थ का जो पॉइंटर था उस दिशा का नाम हमने नॉर्थ रख दिया, यदा नाम कदापि ना काम। एक्चुअली पृथ्वी का साउथ उधर है इसलिए वो पॉइंटर उधर जाता है। मान लिया जाए कि बहुत बड़ा मैग्नेट पृथ्वी के अंदर रखा है। अरे यस, अब आप सोचो, अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो आपने शायद प्रैक्टिकल किया होगा। मैग्नेटिक निडल इधर रखेंगे मुंह नीचे रहेगा, धीरे 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 सरकाएंगे तो जब आप इस लोकेशन पर लाएंगे तो उसका मुंह ऐसे ऐसे होगा नीचे, ऐसे 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 आप सरकाते जाएंगे और इस पोजीशन पे जूम घूम जाएगी गोल और फिर हर कहीं रुकेगी। यानी कि अच्छा थोड़ा सा दूर ले आओगे तो वो अपना मुंह ऊपर कर लेगी इस लोकेशन पर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्लास क्यों भैया तुम? ये तो दिख तो ले देख तो ले वेक्टर लिखा था, बाहर बैठो पढ़ाई करो कुछ, वीडियो लैब में पढ़ना घर नहीं चले जाना। क्या मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी और वहां उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मगर है तो वेक्टर। समझ रहे हो आप बात को? आपका किया हुआ ही है प्रैक्टिकल फिर भी आप जवाब नहीं दे पाते हो, उस दयनीय स्थिति को सोचो।
चलो आगे बढ़ो, लिखिए 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 साहब, यूनिट वेक्टर। अरे यार एक काम करो यार, जबरदस्त लिखो होमवर्क, बड़े बड़े अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखो, आज 2 जनवरी को होमवर्क दिया, फ्रंट पेज पे लिखो, आज 2 जनवरी को होमवर्क दिया 39 ईयर बुक से 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, जरूर करना है, जल्दी करना है। उसका कारण सुनो, ये 3 चैप्टर मैंने एक तो व्यवस्थित नहीं पढ़ाए, लंबी लंबी क्लास में पढ़ाए तो आपका ब्रेन सोने लगा, मगर ख़त्म करने के नाम पे अपन ने ख़त्म तो कर दिया, मगर मुझे अंदर से एक खुशी नहीं मिल रही, जो खुशी फंक्शन पढ़ा के मिली, इंटीग्रेशन पढ़ा के मिली, वैसी नहीं मिल रही। तो उसकी भरपाई ये है कि तुम इसका 39 ईयर सॉल्व करो और ज़रूरत पड़ने पर पीछे सॉल्यूशन भी देख लो। तो सड़क बनाई मगर गड्ढे छूट गए, वो गड्ढे भर जाएंगे, सड़क एकदम स्मूथ हो जाएगी। और ये काम आज से शुरू कर दो, अन्य टॉपिक अन्य सब्जेक्ट को एक दिन रोक लो, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बोल दी आज। अभी वापस आइए, यूनिट वेक्टर, प्रोबेबिलिटी भी करना है और ज़रूरत पड़े तो परमु भी कर लेना। यदि प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं बन रही तो उसका कारण है कि परमु नहीं आता। यूनिट वेक्टर जल्दी फटाफट लिखे, आ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स विथ आ कैप ऑन देम, माथे पे वो टोपी बनाते हैं आई कैप जे कैप वैसा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। अगला नाम लिखिए पैरेलल वेक्टर्स, TWO2 और मोर वेक्टर्स। ARER said to be parallel if they have the same support or parallel support. Parallel vectors लिखो ना, तूने अभी दोबारा लिखा पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स में हैव इक्वल ओ आर और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन में बी सेम ओ आर और अपोजिट। ध्यान रखना पैरेलल वेक्टर में जनरली बच्चे के दिमाग में क्या आता है, सेम डायरेक्शन, ऐसा नहीं है, ऐसा भी चलेगा और छोटे बड़े भी हो सकते हैं साइज में, उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए। आगे लिखिए, अगली हेडिंग डालिए लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। क्या लिखा अभी इसमें, क्या लिखा अपन ने, आगे लिख दीजिए, If parallel vectors having opposite direction,
देन कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। ध्यान रखना, लाइक मतलब समान, ठीक है, एक जैसा, अलाइक मतलब एकदम समान, फिर शब्द आता है अनलाइक, तो हो जाता है विपरीत। आगे लिखिए कोलिनियर वेक्टर्स। ना साहब टू, सॉरी सॉरी, क्या हेडिंग डाली, लिखिए वेक्टर्स विच आर पैरेलल, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर एंड हैव आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स इन कॉमन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में ही हो वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन या वो क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट तो सेम हो ही गई, मगर वो पैरेलल ना होकर एक के पीछे एक होने चाहिए, यानी कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींची और उसी पर वेक्टर्स बना दिए छोटे छोटे इधर और उधर मुंह वाले। अगला नाम लिखिए को इनिशियल वेक्टर्स। चेहरे से हाथ हटाओ। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि ए बी वेक्टर है साहब, तो ये उसका इनिशियल पॉइंट शुरुआती बिंदु और ये उसका टर्मिनेटिंग जहां पर वो खत्म हुआ, तो आपसे बोल रहे हैं कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर्स शुरू हो तो क्या कहलाएगा। आगे लिखिए भाई साहब, लिखिए लोकेलाइज्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड वेक्टर आ वेक्टर ड्रान पैरेलल टू आ गिवन वेक्टर बट थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। अगला लिखिए इक्वल वेक्टर्स, उसमें एरो करके लिखिए इफ वेक्टर्स हैव, ये आखिरी डेफिनेशन है, इफ वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देयर टी एच ई आई आर लाइन्स ऑफ सपोर्ट मे बी पैरेलल ओ आर और कोइंसिडेंट। अब लिखे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, यहां से इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैप्टर। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, पहली चीज इसमें डालिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहला ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। आपसे किसी ने मांगा कि ए प्लस बी बताइए, तो पैरेलल लाइंस बनाइए कि एक पैरेललोग्राम बन जाए, और जो ये वाला डायगोनल होगा ये कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यदि दोनों इनिशियल पॉइंट एक जगह पर हो। सेकंड, ए ये है और आप मान लो कि बी को उठा के यहां ले आए, तो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट और इसका इनिशियल मिल रहे हैं, तो ये ज्यादा आसान हो गया। आप सीधा इसको जोड़ दीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये पैरेललोग्राम का नियम। बस फिगर बना लीजिए, आप जानते तो पहले से ही होंगे। तीसरा लिखिए वो पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल, तीसरा लिखिए पॉलीगन। एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ विल बी इक्वल टू ए एफ। अब लिखिए पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। इफ एनी पॉइंट पी हैज को ऑर्डिनेट्स
एक्स वन वाई वन जेड वन इन स्पेस देन एंड एंड कैपिटल ओ इज ओरिजिन एंड कैपिटल ओ इज ओरिजिन देन ओपी और उसके माथे पर एरो. इस शब्द का मतलब ही होता है ओपी वेक्टर. देन ओपी वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पी. ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो dr क्या कहलाएंगे इसके, x1 माइनस जीरो, x2 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो और z1 माइनस जीरो. तो dr ही तो लिख रहे हैं अपन. x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k. लिखिए साहब. अब लिखिए यूज ऑफ पोजिशन वेक्टर, यूज ऑफ पोजिशन वेक्टर टू फाइंड एनी वेक्टर. अब सुनिएगा, ये ए कोई बिंदु है, ये बी कोई बिंदु है, ये ओ ओरिजिन, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, ये एक्स टू वाई टू जेड टू. तो जब आप ए शब्द के बिंदु को ए ओरिजिन से जोड़ते हैं तो जनरली ओ ए वेक्टर को स्मॉल ए नाम दिया जाता है, जो कि क्या है, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के है. और इसको नाम बी दिया जाता है जो कि एक्स टू आई प्लस बी टू जे सी टू के है. अब मुझे बात मत कर भैया, मुझे ए बी वेक्टर ढूंढना है. ए बी वेक्टर ढूंढना है तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या है, आंखों देखा दिख रहा है. तो ए बी को यहीं रहने दो, ओ बी माइनस, यानी कि बी माइनस क्या, तो ए बी हुआ पोजिशन वेक्टर ऑफ पीछे वाला माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ आगे वाला. तो मेरी नजरों में तो सिंपल यार, अपन थ्री डी वाले. तो दो पॉइंट के डी आर्स क्या थे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन. वही हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन आई, वाई टू माइनस वाई वन जे, जेड टू माइनस जेड वन के. अब लिखिए, कोई ट्रायंगल है ए बी सी और उसकी साइड्स को नाम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दे दिए, तो सिंपल सी बात है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बताइए क्या है, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी. तो बी सी और सी ए का सी सी काट दो तो क्या बन गया, बी ए. फिर ए ए काट दो तो क्या बन गया, और जहां से शुरू हुए वहीं पहुंच गए तो नल वेक्टर. सीधे होके बैठो, लिखो जल्दी, बातें न करें. अब लिखिए, अब यहां से अच्छे क्वेश्चन चालू हुए. लिखिए इफ, क्वेश्चन का क्यू बनाओ. इफ स्मॉल ए के माथे पर एरो, इफ ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर, तो स्मॉल बी के माथे पर एरो, ए आर ई आर एनी टी डब्ल्यू ओ टू वेक्टर्स कोमा, देन गिव
द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन पास आउट हुआ और कमा रहा है इतने साल बाद, चार साल के बाद, और ये छोटा भाई डायरेक्ट चलिए। हाँ, इसका क्या कहता है दिल? हाँ, परपेंडिकुलर। ओह शिट, यहां देखना भाई। दरअसल ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ध्यान से देखना भाई। तो इसका नाम क्या, ध्यान से देखना भाई, तो इसका नाम उल्टे का नाम क्या, इसका नाम क्या? तो ये ए है, ये माइनस बी है, तो पैरेललोग्राम लगाया तो ए, यानी कि ए और बी है, तो एक डायगोनल ए प्लस बी, दूसरा डायगोनल ए माइनस बी। अब आपसे बोल रहे हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल, इसका मतलब ओनली पॉसिबल इन रेक्टेंगल, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल, तो ऐसा स्पष्ट समझा दीजिए। आप लोगों ने शायद उससे किया होगा, होल स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये लिखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको डॉट प्रोडक्ट तो सिखाया ही नहीं है, उसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो साहब आंसर, ये क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लिखा इंग्लिश में लिखा भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मिला जुला सा कुछ। कितने लोग सफल हो गए? रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो। आइए देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, ए वेक्टर वन लंबाई वाला, बी वेक्टर वन लंबाई वाला, तो इसका नाम क्या, ये कितना 60 डिग्री, 60 60 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके ठीक नीचे एज्यूम कर लिया माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना, यहां एंगल कितना, ये एंगल नहीं है, दो वेक्टर के बीच कोण थीटा, दो वेक्टर के बीच कोण थीटा, एंगल थीटा, उसके लिए जरूरी है कि वो दोनों का इनिशियल पॉइंट मैच करे या टर्मिनेटिंग पॉइंट मैच करे तो ही थीटा। यदि ऐसा और ऐसा हो रहा है तो हम इसको एक्सटेंड करके यहां थीटा लिखेंगे, ध्यान रखना। तो अब यहां एंगल कितना है, तो ये जो है इसका नाम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अब अपनी बेसिक 2D लगा दीजिए आप। अब आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये 120 डिग्री, ये वन ये वन, तो ये कितना, तो हम कहेंगे ये 60,
ये 30 और ये पूरा मान लीजिए एल है तो इतना सा एल बाई टू, और मैंने सिखाया था केक सुपारी कंसेप्ट, तो छोटू का डबल इसलिए ये 1/2, तो इतनी सी लेंथ इसका रूट 3 टाइम्स, तो पूरी लेंथ रूट 3। अब कुछ नए लोग हैं उनको नहीं मालूम कि एक सोपाड़ी कंसेप्ट, तो ठीक है साहब आप कॉस 30 ले लो, तो कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटनियस रूट 3/2 इज इक्वल टू एल बाई टू, एल बराबर रूट 3। कितने लोगों ने कर दिया फिर से हाथ उठा देना। ज्योति, हरलिन, मोहिनी, विवेक साहू, चौरसिया, तोमर, ये हो गया है ना। अब अगला क्वेश्चन दू, लिखे ये कंसेप्ट लिख लिया, दो एंगल वेक्टर के बीच कोण, बातें न करें, एक इंपॉर्टेंट नॉलेज लिखो, सुनो सुनो सुनो। यदि ए बी सी है और ये जी है सेंट्रोइड केंद्रक, तो जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी 0 होता है, ए जी बी जी सी जी भी 0। बीजी मतलब क्या होता है दीदी? हाँ, अरे मौसी कुछ होता है ना, पंजाबी में ताई को बोलते। लिखो साहब लिखो, बाजी बाजी मैं कर दूं, कितने लोगों से बन गया? देखिए साहब, सुनिए, एक ट्रायंगल यही मान लो और दूसरा ट्रायंगल ये मान लो, ए डैश बी डैश सी डैश जी डैश। सुनिए, अपन ने एलएचएस लिया, ए डैश बी बी डैश सी सी डैश, ए डैश को क्या लिख सकता हूं? ओ, ओ का है, राम 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 राम। पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन अपन लेते हैं, दीदी ने उसको यूज कर लिया। देखो तुम जादू देखो, यहां से सीधे जाना था, हम थोड़ा घूम फिर के चले गए। ए जी 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 डैश ए डैश, अब बी भी जाना था, सीधे जाना था, ऐसे सीधे जाना था, हमने कहा नहीं हम तो जीजी से मिलते हो जाएंगे। तो बताइए बीजी जिजी जिब्बी, फिर सीसी जाना था, तो हमने कहा हम तो ऐसे जाएंगे, तो सी जी जिजी जिस्सी। मैंने हिंट दी यार तुमको, ये तीनों का सम क्या, ये तीनों जिजी हो गई, ऐसा कितन किया? पंडुलिया, ज्योति, मोहिनी, चौरसिया, चेहरे से हाथ हटाओ, ये बात तुमसे कर ले, कितने लोगों का वो वाला होमवर्क कंप्लीट है, उनको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, भारी भरकम गिफ्ट मिलेगा। कई दिन पहले मैंने कहा था 2 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स, फिर 2 दिन में एक चैप्टर केमिस्ट्री, फिर 2 दिन में एक मैथ्स, उस पर कौन रूटीन में चल रहा है, तो मेरे से इतना बड़ा गिफ्ट ले लो जो तुमने सोचा नहीं होगा। नहीं है ना, सबने छोड़ दिया ना, बस फिर छोड़ो, गिफ्ट भी क्या है ये क्यों बताऊं। कितने लोग
मतलब कितने चैप्टर हो गए उसमें, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, मैथ्स में कितने, चौरसिया के क्या हाल है, है कितने, और फिजिक्स केमिस्ट्री और हाथ उठाओ, राम राम। तुम वो कर रहे थे किताब सॉल्व, कितने कर लिए पन्ने आज रात तक में, पार्ट वन पार्ट टू, एग्जाम्पल भी करने बाबू, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। हाँ हाँ तो रहो फिर तुम लोग कचरा पेटी। चलो ये कर दूं मैं, इतनी अच्छी चीज दे रहा था मैं, अब रहन दो। वो कुछ हमने काम दिया था तुमने किया ही नहीं, पढ़ाने की इच्छा नहीं होती बे, तुम लोग ऐसा रिस्पॉन्स करते हो तो। तोमर ने कितना किया, अच्छा गिनते नहीं है, बरकत नहीं रहती है। मोहिनी सी और ए में रिश्ता निकालना था तो मैंने बी को मार डाला, थ्री सी इज इक्वल टू नाइन ए प्लस ट्वेल्व बी, एट सी फोर ए, इन दोनों को जोड़ा, सर उठा के जियो, सी इज इक्वल टू 13 अपॉन 11 ए, 1 से बड़ा और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, और 1 से बड़ा का मल्टीप्लाई तुम किसी में कर रहे हो तब जाके सी के बराबर हो रहा है। मतलब ये मान लो 5 है, ये 2 है तो ये 10 है, तो मॉड ऑफ ए छोटा है मॉड ऑफ सी से। कितने लोग इस पैटर्न से कर डाले, अच्छे से करो भाई, सर उठाओ, अच्छा काम किया है। हाँ सलोनी दीदी, हाँ क्या नाम है आपका, दीपिका, अच्छे से हाथ उठाओ, राम, हेलो हाय। अब अगला कर दो कम से कम, सी और बी में रिश्ता निकालना, ए को मार डालो, जल्दी करो। हाँ जरे जरे ओ मेरे दिल मर बोलो दादा बोलो, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो, 3a प्लस 4b, और इसको 3 गुना कर दो, 6c 3a माइनस 9b। अब आप घटा दीजिए, बोलो साहब, माइनस 5c इज इक्वल टू, तो माइनस है इसका मतलब, और 1 से बड़ा का b में मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसका मतलब b छोटा, c दोनों से बड़ा हो गया। दूसरी बार में कितने लोग सफल हो गए, सब हो गए, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक नॉट इंजीनियर। क्या
अब हेडिंग डालो साहब, सेक्शन फार्मूला। ए का वेक्टर ए, बी पॉइंट है, उसके वेक्टर का नाम क्या? पोजीशन वेक्टर का नाम। ओ भैया काहे लिख रहे हो भैया, फिर क्वेश्चन नहीं बनते तुमसे। ये पॉइंट है पी, डिवाइडेड इन रेशियो, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते थे? एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम ब्रैकेट में समथिंग प्लस एन ब्रैकेट में समथिंग, एम ब्रैकेट में समथिंग प्लस एन ब्रैकेट में समथिंग। एम की सेटिंग, एम की सेटिंग बी से, एन की सेटिंग ए से, आंसर आ चुका। एक्चुअली इस ए के अंदर छुपा है एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन, तो एम का मल्टीप्लाई उन दोनों से, फिर उन दोनों से, तो एक्स और वाई आप सेपरेट कर लोगे तो पुराना माल दिखने लगेगा। और यदि ये ए है, ये बी है, और इसी डायरेक्शन में क्यू है, और रेशो स्टार इस टू हैश है, ये ए है ये बी है, तो ये हुआ स्टार माइनस हैश, स्टार डॉट समथिंग, हैश डॉट समथिंग। स्टार का रिश्ता इसके इसके साथ है तो वो सेटिंग जहां करने जाएगा, हैश का इसके इसके साथ है तो जहां लगेगा। करिए साहब, चलो ये मिटा दूं। अब काम की चीज देखना, इसे ओ ओरिजिन मान लो, तो इस वेक्टर का नाम क्या, इसका नाम क्या, और इसका नाम क्या? पी। तो क्या पी वेक्टर को एम बी एन ए एम प्लस एन बोल देंगे? तो पी इज इक्वल टू एम एम प्लस एन बी प्लस एन एम प्लस एन ए, ऐसा बोलेंगे। ये स्केलर, ये स्केलर अदिश, तो पी इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू ए, वहर लैम्डा प्लस म्यू इज वन। अब ये बहुत बड़ी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट, व्हेन पी बी ए पी बी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। ये वेक्टर कोलिनियर नहीं है। वेक्टर कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर उसके आगे दूसरा, उसके आगे दूसरा, ये एकाध का मुंह पलटाओ, वेक्टर थोड़ी कोलिनियर है, वेक्टर तो ऐसे निकले हुए हैं। ये वेक्टर जिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है वो पॉइंट कोलिनियर है। तो ये वेक्टर की दुनिया में ही ये चीज मिलती है, ये अब आपको 3D 2D में नहीं मिलती। डन 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 डन, ठीक है। अब इसमें आगे एक्सटेंशन कीजिए, सुनिएगा, सुनो। पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस, तुम म्यू को वन माइनस लैम्डा लिख सकते हो, लिख सकते हो। सही है? अरे हाँ हाँ, तो पी इज इक्वल टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए प्लस ए प्लस लैम्डा कॉमन बी माइनस ए। ये क्या आया?
स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन। इस पॉइंट से गुजरेगी लाइन और ये है डी आर्स और इसको तुम लोग आर बोलते थे। इस लाइन पे डांस करने वाला पॉइंट, ठीक भैया? नजर के नाम ने नन की माँ नहीं बोर्ड पे देखना भाई। फिर से शुरू करते हैं। यहां देखिएगा, इसको आप लोग दोबारा लिखना है, इस चीज को फिर लिखना है। इसका नाम क्या? ओपी इज इक्वल टू एम ओ बी प्लस एन ओ ए अपॉन एम प्लस एन। एम प्लस एन सामने चला गया, एम ओ बी प्लस एन ओ ए। एन ओ ए प्लस एम ओ बी माइनस एम प्लस एन ओ पी इज इक्वल टू जीरो। सामने जीरो बचे, सामने क्या बचे साहब? इसका इसका और इसका सम क्या हो जाए? तो ओ ए ओ बी ओ पी ए बी पी कोलिनियर। एक तो कोलिनियर के लिए मैंने ये सिखाया, ये रहा एक, ये आया। बड़ी है संग दिल आई घर जलाने। आपसे बोल रहे हैं कि एबीसी तीन वेक्टर कुछ इस तरीके से है कि इसमें से कोई से भी दो आप पकड़ोगे एट ए टाइम तो नॉन कोलिनियर, मतलब पैरेलल नहीं है और एक लाइन में भी नहीं है। लाइन ऑफ सपोर्ट की तो वैसे भी अपन को चिंता नहीं है, अपन सरका देंगे इधर उधर, मतलब पैरेलल नहीं है। मगर ए प्लस बी नाम का वेक्टर सी के साथ पैरेलल हो रहा और बी प्लस सी नाम का ए के साथ पैरेलल हो रहा, तो आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है। अरे प्यारे कैसे आया ये बताना पड़ेगा कॉपी में। कितने लोग सफल हो गए किसी मेथड से वैल्यू निकाली जीरो? किसी मेथड से जीरो निकालने वाले हाथ तो उठाओ। ज्योति नायडू, विवेक साहू, चौरसिया, आप देखिए साहब
वेक्टर आ चुका है अपनी दमदारी पर। सुनिए, हाँ, ए प्लस बी नाम का वेक्टर यदि सी के पैरेलल है तो जरूर कुछ गुना होगा, दो गुना, तीन गुना, माइनस चार गुना, ऐसा कुछ पैरेलल है। तो डायरेक्शन तो डिसाइड हो गई, मैग्नीट्यूड के वजह से लैम्डा लिखना पड़ा। बी प्लस सी नाम का वेक्टर भी कुछ गुना है, किससे? ये डॉट लगाना गुना होता है, मैंने बताया था तुमको, इसमें से इसको घटा दिया तो बी बी मर गया। अरे बात मत कर भाई, ये उठ के इधर आया, ए कॉमन निकल गया। अब सुनिए आप, ए और सी पैरेलल नहीं है तो फिर आप आमने सामने कैसे लिख सकते हो किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके? सिर्फ तभी लिख सकते हैं वन प्लस म्यू इजिकल टू वन प्लस लेमडा इजिकल टू क्या, तो कोई सा वेक्टर इंटू जीरो इजिकल टू कोई सा भी वेक्टर इंटू जीरो। तो भाई जीरो बराबर जीरो, जब कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है फिर भी तुम उन्हें आमने सामने लिख रहे हो, गलत है ये। तो ये तभी संभव है जब ये और ये जीरो हो। तो यहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि लेमडा इजिकल टू म्यू इजिकल टू कितना, आप इसमें रख दो करो साहब, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिर्यक रेखा, मतलब एक तिरछी लाइन ने इन इन भुजाओं को काट दिया। तो ऐसा ऐसा सिद्ध कीजिए पैरेललोग्राम में, और ये लाइन ने ऐसा काटा ए बी और सी पर, कितने लोग सफल? ज्योति एंड चौरसिया, बोर्ड पे देखिए, अब भी पढ़ाया था, ध्यान से देखिए, किसी की सुंदरता देखने के लिए मन की आंखें होनी चाहिए। देखना साहब, ओ एन नाम का वेक्टर जो है उसे आप ओ एल वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। ओ एल जो वेक्टर है वो ओ ए वेक्टर से कुछ गुना है, ओ एम वेक्टर ओ बी वेक्टर से कुछ गुना है, ओ एन वेक्टर ओ सी वेक्टर से कुछ गुना है, तो ओ एल की जगह एक्स ओ ए, ओ एम की जगह वाई ओ बी, ओ एन की जगह जेड ओ सी, एक्स ओ ए वाई ओ बी ओ सी, ये क्या हुआ? थोड़ी देर पहले किया था, ए बी सी कोलिनियर है तो जरूरी है कि उनके कोएफिशिएंट्स का सम जीरो हो। तो एक्स प्लस वाई और ये माइनस जेड बराबर जीरो, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या? अब एक्स वाई जेड स्केलर क्वांटिटी है तो एक्स बराबर क्या? ओ एल अपॉन बिना वेक्टर के, सिर्फ लेंथ लेंथ, तो हैंस प्रूव्ड। मेरे व्यवस्थित मेथड से लिख लीजिए, चेहरे से हाथ हटाओ। उन्होंने ये लिख दिया ना, ये तनाव पूर्ण काम हो गया, नहीं तो अपन अपनी पर आ जाते क्या।
हम मालूम क्या कहते, ये डी देखते हैं ना तुम गेम, चेहरे से हाथ रहा, ये वन, ये ए, डी इधर देख ले बे। आईआईटी के हाल में थोड़ी वेक्टर मेथड जरूरी रखेंगे अपन, कहीं से भी करो आंसर पाओ। स्कूल वालों को टेंशन है, स्कूल में भी तुम ये कर आना, कुछ तो देगा। डी इज अ पॉइंट सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज 2:1, 2:1, ठीक है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ओ 1, तो ओ बी का मिड पॉइंट कौन, ई, ठीक है। ए से इसको मिलाया, दिस इज पी। ई के कोऑर्डिनेट्स 1/2, 1/2, ये -2, 0, इक्वेशन ऑफ ए ई, बोलो बोलो, y -0 इज इक्वल टू स्लोप x प्लस क्या, 1/2 -0, 1/2 + 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 1/5 x, सही है। तो p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं, 0, 2/5 निकालना, क्या ओपीपीडी, ओडी इज इक्वल टू ओपी प्लस क्या, ओ डी कितना, ओपी नहीं मालूम, पीडी कितना, तो 1 - 2/5 इज इक्वल टू क्या, तो ओपी इज इक्वल टू, तो ओपी अपॉन पीडी 3/5 अपॉन, आईआईटी के हॉल को क्या लेना देना भाई, ये मेथड वो मेथड, अपन को 2D आती है। अरे हाँ, अपन कॉलेज गए, अपन लड़की को छेड़ दिए, तो क्या कैरेक्टर बुरा कहलाएगा क्या, ह्यूमन बिहेवियर भाई। तो उसका भाई लड़ने आ गया, वो कराटे चैंपियन, तो क्या अपन का 4 साल तक पहले कराटे सीखेंगे फिर उससे लड़ेंगे क्या, ये डर के भाग जाएंगे। अपन को पत्थर फेंकना मां आता, अपन उठा के बड़ा सा पत्थर मारेंगे भाग जाएंगे, हमें जो आता हम वो करेंगे ना यार, तो वेक्टर से क्यों करूं, हमें 2D आती है, हम 2D से करें। अब मैं वेक्टर से भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि 12th वाले कमरे में बैठे हैं भाई, लिखो साहब जल्दी फटाफट। अब आइए वेक्टर मेथड देखना साहब। हेलो, जहां देखो सुनना, ओ ओरिजिन, तो ये वेक्टर का नाम क्या, तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी, तो ये पूरी लेंथ क्या कहलाएगी, बी वेक्टर। इसका नाम मैंने रखा ई, तो इसका नाम पोजीशन वेक्टर ई। वैसे ये पूरा बी है, तो ये आधा बी, तो आप इसे b/2 लिख सकते थे, बी वेक्टर अपॉन 2। इसका नाम डी पोजीशन वेक्टर, मगर इसे भी हम लिख सकते थे 2+1, 2.something, 1.something, ए बी। ये एक लाइन ओडी, ये ए ई, तो इक्वेशन ऑफ ए ई बोलो तुम, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, आर ए से गुजरेगी, लेमडा डी आर दिस माइनस दिस, इक्वेशन ऑफ उड़ी, यही तो कोटिंग पॉइंट पी होगा, है
आर, यहां R1 R2 मत लिख देना, वो एक्स वाई जेड है। तो R इज इक्वल टू ओरिजिन से जा रही है साहब जीरो, म्यू इसमें से इसको घटाना, तो सीधे होके बैठोगे मत पढ़ो, कुतुब मीनार नहीं हो तुम, सही है। अब जो P है तो इसको सॉल्व करो, तो इन दोनों को आमने सामने लिख दिया, R इज इक्वल टू R है भाई, तो A प्लस लेमडा B बाय टू माइनस A इज इक्वल टू म्यू 2B प्लस A अपॉन 3, सही है। पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6A प्लस लेमडा, 6 इधर आएगा तो 3B माइनस यहां 2 बचा 4B प्लस 2A दीदी, तो A का कोएफिशिएंट्स क्या बनेंगे, 6 माइनस 6 लेमडा माइनस 2 म्यू प्लस या इज इक्वल टू B के कोएफिशिएंट्स बोलो। अब A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल है, A वेक्टर और B वेक्टर क्या नहीं है परपेंडिकुलर, नर्वस सिस्टम फेल हो जाता, तो भी हमने आमने सामने लिख रखा। ये तभी संभव है जब 6 माइनस 6 लेमडा माइनस 2 म्यू भी जीरो हो और 4 म्यू माइनस 3 लेमडा भी क्या हो, इसको 2 से डिवाइड लगा दिया, 3 माइनस 3 लेमडा माइनस म्यू बराबर 0, इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा, माइनस 3 लेमडा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 0, बोलो क्या होगा, ये प्लस और ये क्या, तो बताओ 3 इज इक्वल टू 5 म्यू, तो म्यू बराबर, अब आप लेमडा भी निकाल ही लोगे, 4 म्यू इज इक्वल टू 3 लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू, जब आप म्यू की जगह क्या लिखोगे 3/5, तो 3 से 3 कट गया 4/ ओडी की इक्वेशन में जब हमने पी ढूंढने की कोशिश करी तो पी क्या आया, ये लास्ट में लिखना है, पी कितना है म्यू इंटू, इसको डी लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अरे हा ना, तो म्यू कितना आया, यानी कि जो ओपी है वह ओडी का 3/5 है, ओडी पूरी लेंथ डी और ओपी हमको मिला म्यू इतना, जबकि हमें ओपी ओडी से तो कोई लेना देना नहीं था, हमें क्या चाहिए, ओपी पीडी चाहिए, तो 5 ओपी इज इक्वल टू 3, ओडी को क्या लिख सकता हूं, ओपी प्लस पीडी, अब ये 3 ओपी इधर आके घट गया 3, अब ओपी अपॉन पीडी 3/2 आंसर आ गया, अब यही अपन ने 2D से निकाल दिया था। कल के लिए हेडिंग अभी से डाल दो, कोप्लेनर वेक्टर्स, आज की क्लास रोक दे, कल मिलेंगे राइट टाइम मिलेंगे, पैराबोला सेकंड लेक्चर है ना।